नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां पर राज्य के कृषि निवेश केंद्र जखनिया में और जलालाबाद के नोकिया स्मार्टफोन हब सेंटर के सहयोग से आज जखनिया क्षेत्र के जलालाबाद में किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कैंप लगाकर किसानों को जागरूक किया गया और उनको पूरी जानकारी दी गई। साथ ही उनके समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जरूरी कागजात और उनका संबंधित पोर्टल पर निस्तारण भी किया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कृषि विभाग से आए पदाधिकारी महोदय द्वारा पूरी जानकारी। बलवंत कुमार, BTM जखनिया। आज जलालाबाद में कैंप लगने जा रहा है और लगा भी है, लोगों का शुरू भी हो गया, इसमें क्या क्या होगा और कैसे होगा? विशेषकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो किसान लाभ ले रहे हैं उसमें से कुछ किसान वंचित हो गए हैं लाभ लेने से। उसका प्रमुख कारण ये है कि लैंड सीडिंग यानी भूलेख का अंकन चला है, उसमें कुछ किसान रह गए हैं जिसकी वजह से उनका पैसा नहीं आ रहा है, तो वो किसान पहुंच नहीं पा रहे हैं विभाग में। इसलिए कैंप लगाकर ऐसे किसान जिनका भूलेख अंकन बाकी है, EKYC बाकी है, आधार अथेंटिकेशन जो बैंक में अंकन नहीं हुआ है उनका, ऐसे किसानों को कैंप के माध्यम से उनका आवश्यक अभिलेख लेकर भूलेख का अंकन आदि किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाला जो किस्त है उसमें उनकी किस्त जारी हो सके। सम्मान उनको क्या क्या लाना पड़ेगा? उनको आधार और खतौनी, भूलेख अंकन के लिए आधार और खतौनी आवश्यक अभिलेख है, और EKYC के लिए सूचना दिया जा रहा है जिसको जनसेवा केंद्र पर ही उनको कराना है EKYC, तो उनको यह निर्देश दे दिया जा रहा है कि आप जाकर EKYC करा लीजिए। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनका आधार से अकाउंट लिंक NPCI में नहीं है, उसकी वजह से भी पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे किसानों को ये बताया जा रहा है कि आप बैंक से संपर्क करके NPCI में अपना अकाउंट लिंक करा लीजिए, तब जाकर अगली किस्त आती है। जो लोग कैंप में भाग नहीं ले पा रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कृषि निवेश केंद्र जखनिया में काउंटर के माध्यम से हेल्प डेस्क लगा हुआ है, वो किसान वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, या संबंधित कर्मचारी जो न्याय पंचायत वार डिपूट हैं उनसे संपर्क करके अपना अभिलेख देकर अपना कार्य करा सकते हैं। Thank you.